हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत एग्जाम पॉइंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है उसका हम रिजल्ट कैसे चेक करें, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो भी रिजल्ट्स हैं एटसेट्रा, तो हम उसको रिजल्ट कैसे चेक करें, ये रिजल्ट आया है कि नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर रहे हैं कि ये बताइए रिजल्ट आया कि नहीं, तो उन्हीं सब के लिए ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, ये मेरा ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र है, तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया फ्रेंड। इसके बाद आपको यहाँ राइट करना है, राइट ये करना है www.ccsuniversity.ac.in। इतना लिख के राइट करके फ्रेंड्स आपको सर्च करना है। देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमको ये देखिए नीचे जाना है, बॉटम में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ हमको जाना है, देखिए स्टूडेंट सेक्शन में जाकर आप स्टूडेंट सेक्शन में जाकर आप रिजल्ट पर टैप करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टैप करते हैं फ्रेंड्स, मैंने कर दिया है, आप भी करिए। तो इसके बाद यहाँ देखना है आपको फ्रेंड्स, इस पर डिक्लेयर रिजल्ट 2020, इस पे जाकर आपको टैप करना है, आपको देखना है कि कौन सा रिजल्ट आया है कि नहीं। तो यहाँ आपको बता दें कि 27/8/2020 को बीएससी सेकेंड ईयर जो स्पोर्ट वालों का है, बीएससी सेकेंड ईयर वालों का आया है। 21/8/2020 को बीएससी फिजिक्स हेल्थ स्पोर्ट्स जो फर्स्ट ईयर वालों का आया है। तो ये सभी रिजल्ट हैं, कौन सी डेट को आया है, आउट हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तो उन्हीं सभी ये रिजल्ट दे दिया है, किस डेट को कौन सा रिजल्ट आया, ये सभी रिजल्ट दे दिया। आप यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कोर्स देखिए, यहाँ आपको कोर्स भी आपका लेना है, हमारा कौन सा कोर्स है, ये कोर्स आपको रिजल्ट देखते समय काम आएगा। तो उसको हम कैसे देखें फ्रेंड्स, सबसे उसके बाद देखिए बैक करिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ आया है रेगुलर प्राइवेट, यहाँ रेगुलर प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्सेज रिजल्ट 2020 आपको यहाँ टैप करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ देखिए कोर्स का नाम आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ पर आप कोर्स का नाम फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर कोर्स का नाम फिल करना है। उसके बाद ईयर, सेमेस्टर, रोल नंबर, कैप्चा कोड, कैप्चा कोड फ्रेंड्स आपको स्मॉल लेटर में दिया है तो स्मॉल, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में फिल करके आपको सबमिट करना है फ्रेंड। आपको सबमिट पे करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप 3 डॉट पे जाके आप वहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।